जैसा आपको जानकारी है कि काठ बाजार में जो भीषण अग्निकांड हुआ है उसमें लगभग 150 से अधिक दुकानदार प्रभावित हुए हैं। बहुत ही दुखद है और लगभग मैं समझता हूँ कि छोटी पूंजी के साथ और मेहनत के साथ अपने घर परिवार का गुजारा करने वाले इन लोगों के इनका लगभग सब कुछ नष्ट हो गया है। दीपावली का त्यौहार सिर पर है। आज हमने इसी संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय से बात करी है और इस तरीके की परिस्थितियों में दो तीन कारणों में जो सबसे प्रमुख दो कारण मुझे लगते हैं, एक तो जैसे कि ये कच्ची दुकानें हैं, टटरी वाली हैं या टीन है, अस्थाई दुकानें हैं, तो इनके लिए पक्की दीवारें अगर इनकी बन जाए, पक्का इनका दुकानें बन जाए, तो उससे ये हो जाएगा कि ईश्वर न करे कल को कोई किसी जगह छोटी बड़ी बात है तो आगे नहीं बढ़ेगी। दूसरा, यहाँ पर अग्निकांड की सुरक्षा के लिए, क्योंकि लकड़ी का काम है और इतनी बड़ी संख्या में दुकानदार हैं, खुले में सामान पड़ा होता है, तो उसके लिए भी कोई प्रशिक्षण और उसके लिए भी सावधानी, उसके लिए भी फायर ब्रिगेड के लोग और यहाँ के लकड़ी के दुकानदार मिलकर इसका भी एक उपाय हो, ऐसा भी मैंने जिलाधिकारी महोदय से अपेक्षा करी है। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी तक हम लिखित रूप से ये बात पहुँचा चुके हैं कि पीड़ित दुकानदार भाइयों को उनको आर्थिक सहायता देकर उनको दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए मदद की जाए। इस कठिनाई के समय में हम सब उनके साथ हैं और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि पूरी तरीके से भविष्य में ऐसी कोई परिस्थिति न बने, इसके लिए जो भी जैसा मैंने बोला दुकानें पक्की हो जाएं, सावधानी सुरक्षा की दृष्टि से अग्निशमन अधिकारी और दुकानदार प्रशिक्षित हो, इस प्रकार की सारी व्यवस्थाओं में हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे। धन्यवाद।